हे गाइस, वेलकम बैक टू मिथि सियांस चैनल। तो कैसे हो आप सब? ये हमारा ब्लाउज चौक कैची एंड ये है हमारा इंची टेप एंड इसका हमें ब्लाउज बनाना है। ये हमारा नाप है एंड चलिए सबसे पहले हम अपना नाप ले लेते हैं। तो किसी कुछ इस तरीके से हम अपना नाप लेंगे। तो सबसे पहले तो हम कमर का नाप लेंगे, देखते हैं कमर कितना आता है। तो फाइनली हमारा कमर आया है 30 इंच, देख सकते हैं आप। तो 30 इंच हमारा कमर आया है। अब हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी आ रही है 13.5 इंच। तो हमें तैयार करना है 13 इंच। तो हमें 13 इंच लंबाई तैयार करना है एंड हम बांह नाप लेते हैं, बांह की गोलाई। तो यहाँ पे हमारी बांह की गोलाई 6 इंच आ रही है, ये देख सकते हैं आप। ये 6 इंच हमारी बांह की गोलाई आ रही है, तो देख सकते हैं ये हमने नाप ले लिया। अब हम बैक का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा आ रहा है 4 इंच। फाइनल हमारा 4 इंच आ रहा है। तो हमें इसी नाप में अपना ब्लाउज तैयार करना है। हमें बस ये लंबाई चेंज करना है। लंबाई हमें 13.5 इंच आया है, तो हमें 13 इंच लेना है। यहाँ हम गले की नाप भी ले लेते हैं। तो गले का नाप हमारा 6.5 इंच आ रहा है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कपड़े को खोलेंगे इस तरीके से एंड उल्टे साइड हम फोल्ड करेंगे। सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ रहेगा एंड रॉन्ग साइड हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपना कपड़ा पहले फोल्ड कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। 13 इंच पे हम तैयार करेंगे। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया। हमारा 13 इंच आया है, तो 13 इंच का हम 3 भाग करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। तो 10 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी 11 इंच। तो इस तरीके से मैं 11 इंच ले रही हूँ। मैं फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ, हमारे ब्लाउज की कमर की नाप आई थी 30 इंच। तो 13 इंच का हम 30 इंच का 3 भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच एंड 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो हमारा आ रहा है 11 इंच। तो इस तरीके से हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। इस तरीके से कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। तो ये डबल फोल्ड करने के बाद हमारा 11 इंच है। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम हटा देंगे साइड में एंड इसे हम बड़ा फोल्ड करेंगे। तो हमें ब्लाउज तैयार करना है 13 इंच। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच लिया है, ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 इंच लूँगी। कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले तो नाप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगाते हुए, जहाँ से 15 इंच पे मैं इस तरीके से मोड़ लूँगी कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा नीचे का फ्रंट है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से निशान लगाते हुए हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। मैं इसे कट कर लेती हूँ। ओके, तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा हमें मिल चुका है। तो अब मैं कंधा लूँगी अब मैं कंधा लूँगी 5.5 इंच। तो कुछ इस तरीके से मैं कंधा ले ले रही हूँ 5.5 इंच। मैं 5.5 इंच लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड मैं आर्मोल लूँगी 6 इंच। तो कुछ इस तरीके से हम निशान लगा देंगे एंड हम आरमोल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे।
कुछ इस तरीके से निशान लगाते हुए 1.5 इंच पे हम गुलाई देंगे, गुलाई दे देंगे वहाँ की, सॉरी आरमोल की। तो यहाँ पे मैं गला ले रही हूँ 2.25 इंच, यहाँ पे मैंने गला लिया है 2.25 इंच एंड 1/2 इंच मैं कंधा गिराऊंगी। यहाँ पे 1/2 इंच इस तरीके से निशान लगाते हुए मैं कंधा गिरा दूंगी एंड यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच हमें नीचे से, नीचे में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 1.5 इंच हमारे नीचे से जाएगा एंड 1/2 इंच ऊपर से। तो कुछ इस तरीके से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा दूँगी पूरे ब्लाउज पे इस तरीके से। यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगा दिया है, लगा देना है। पहले तो हमें 1/2 इंच मोड़ना है, फिर उसके बाद 1 इंच मोड़ करके वहाँ से हमें तुरपाई करनी है। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम मैं गला फिर से यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पे गला हमारा 4 इंच है तो इस हिसाब से लेंगे। तो 4 इंच है तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। एंड यहाँ पे ऊपर जो हमने निशान लगाया है 2.25 इंच पे, हम उसे उस निशान को इस निशान से मिला देंगे। नीचे मैंने 2.5 इंच लिया है, ऊपर मैंने 2.25 इंच लिया है। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे एंड 1/2 इंच पे हम उसे गुलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। 1/2 इंच पे मैं गुलाई दे दूंगी, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने गुलाई दिया है। एंड जो हमारा फ्रंट है वहाँ पे मैं फ्रंट के गले की गहराई में दूंगी 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, यहाँ इस तरीके से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, ये देख सकते हैं। एंड यहाँ से मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने कंधा गिराने के लिए कटिंग निशान लगाया है वहाँ पे पहले पहले हम कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आरमोल की कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद हम अपने गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इस एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें इस तरीके से अपने कपड़े पे हाथ रखते हुए कटिंग करना है, नहीं तो हमारा कपड़ा इधर उधर हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं इस कपड़े को अलग कर लूँगी दोनों पार्ट को। तो मैं बैक के पार्ट को हटा दे रही हूँ एंड यहाँ पे अभी हमें गुलाई देना है इस तरीके से निशान लगाते हुए, दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरीके से। एंड फिर इसमें भी हमें 1/2 इंच पे गुलाई देना है। तो कुछ इस तरीके से मैं 1/2 इंच पे गुलाई दे दूंगी। तो ये देख सकते हैं ये मैंने कुछ इस तरीके से गुलाई दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हमेशा कपड़े पे हाथ रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है एंड हमें फ्रंट के आरमोल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने फ्रंट के आरमोल को 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया है, कटिंग कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट तैयार हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है, यहाँ यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों हमारे 1.5 इंच पे मुड़ेगा कुछ इस तरीके से। मैं निशान लगा दे रही हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाते हैं। हम क्या करेंगे कि अपने सबसे पहले तो हम अपने कपड़े को थ्री फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरीके से हम थ्री फोल्ड करेंगे, बराबर करते हुए थ्री फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे ये निशान है, इस निशान पे हमें निशान लगाना है। तो मैं 5 इंच अंदर जाते हुए निशान लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। पहले मैं प्रेस कर दे रही हूँ, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड दोनों साइड में हमें इसी जगह पे निशान लगाना है, सेम जगह पे। तो यहाँ पे भी मैं 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। दोनों साइड पे हमारा सेम निशान होना चाहिए, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, हमारा बैक का निशान लग चुका है। अब हम फ्रंट में निशान लगाते हैं। तो इससे भी हम उसी तरीके से सबसे पहले तो थ्री फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें थ्री फोल्ड करना है ताकि हमें एग्जैक्ट वाला निशान मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसे थ्री फोल्ड करेंगे। थ्री फोल्ड करके हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमें सेम मतलब सही जगह पे कहाँ निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें निशान मिल चुका है। तो सबसे पहले हम ऊपर से, यहाँ ऊपर से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। एंड यहाँ से हमें नीचे तक पूरा निशान लगा देना है। यहाँ से इस तरीके से मैं पूरा नीचे तक निशान लगा दूंगी। अब हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है। ये देख सकते हैं, 1.5 इंच, 1.5 इंच हमें ऊपर जाना है। एंड इसी पे हमें, ये देखिए, अब हमें 1.5 इंच यहाँ से छोड़ते हुए निशान लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा दिया है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा निशान लग चुका है। एंड यहाँ पे मैं देखूंगी, सबसे पहले तो मैं सीधे निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद 2.5 इंच मैं नीचे जाऊंगी। यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से मैं 2.5 इंच नीचे गई। फिर उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं, 1.5 इंच यहाँ से मैं छोड़ूंगी, कुछ इस तरीके से मैं निशान लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा निशान लग चुका है। एंड आर्मोल साइड भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए। हम फोर्थ निशान पे हर जगह पे हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। एंड इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा निशान बीच वाला पता चल जाएगा। एंड इसी तरीके से हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे, सेम जगह पे, बिल्कुल सेम जगह पे हमारा होना चाहिए। एंड इस तरीके से हम कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट निशान कहाँ है हमें पता चल जाएगा। देन हम इसी तरीके से इस साइड भी निशान लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं, जिस तरीके से हमारा निशान यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग करना। तो देख सकते हैं आप, इस साइड भी मैंने निशान लगा दिया है। एंड दोनों साइड देख सकते हैं हमारा बराबर बराबर निशान आया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा निशान तैयार हो चुका है। अब चलिए हम बांह की कटिंग कर लेते हैं। तो बांह की गोलाई हमारी 6 इंच। सबसे पहले तो हम अपना अपने कपड़े को 4 फोल्ड, बराबर 4 फोल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे बांह की गोलाई तो है, गोलाई है 6 इंच। तो 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड हमें जितना बांह की लंबाई चाहिए उससे हम, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने 5.5 इंच लिया है। एंड यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आगे मैंने जैसे कि लिया, हमारे बांह की गोलाई है 6 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच। तो यहाँ से मैं 7 इंच से मैं 2.5 इंच, आई मीन 2.5 इंच मैं अंदर जाऊँगी। इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। एंड यहीं से हमें यहीं से हमें निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से तिरछे में निशान लगा दे रही हूँ। इस निशान को 6 इंच एंड 7 इंच को इस तरीके से मिलाते हुए, तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है, कुछ इस तरीके से देना है। एंड अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि बांह की कटिंग किस तरीके से होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है फ्रेंड्स। एंड यहाँ से भी इस तरीके से तिरछे हमारा थोड़ा सा निशान जाएगा। तो ये देख सकते हैं,
तो ये देख सकते हैं यहीं से हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से। ये जो हमारा निशान है कुछ इस तरीके से आएगा, तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। एंड प्लीज़ गाइस, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ इस तरीके से तो ये देख सकते हैं हमारा वहाँ की कटिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग होता है उसे भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एस के आकार में निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा निशान लग चुका है। हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं दो बाँह को मैंने दो कपड़े को पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ हमारा टू पे निशान गया है, ये हमारा फ्रंट में जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों साइड पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारे बाँह की कटिंग, ये हमारा बैक है एंड ये हमारा फ्रंट। तो हमारी बाँह की कटिंग हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हमारा तीनों फाइनल हो चुका है, फ्रंट बैक एंड बाँह। ये हमारा बैक पार्ट है। तो देख सकते हैं हमारे तीनों पार्ट कटिंग हो चुका है, फ्रंट बैक एंड स्लीव्स की। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया है। तो अब हम आगे की पट्टी कट करेंगे। तो ये हमारी ये जो हमने गले की कटिंग की थी वो हमारा कपड़ा जो बचा था वो उससे हम अपनी आगे की पट्टी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नाप ले लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी मैं इंची टेप से हम अपना नाप ले लेंगे। तो हमारा आ रहा है 1.25 इंच एंड 9.3 इंच के 2 इंच आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 9 इंच पे कट कर लूँगी क्योंकि हम जो तो कुछ इस तरीके से हम नापते हुए यहाँ हम 9 इंच पे हमने निशान लगाया है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। ये हमें अपने कपड़े को सीधे कर लेना है, एकदम मतलब सीधा कर लेना है। तो यहाँ से भी ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा दो कपड़ा मिल जाएगा दोनों साइड के लिए। तो अब हम ये जो हमने आरमोल कट किया था उसमें से ये हमारा कपड़ा बचा है। तो इस कपड़े से हम अपने गले की ये जो हम अपने गले की पट्टी कट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए, इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे एंड प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा निशान हमें मिल जाएगा एंड वहीं से हमें कटिंग कर देना है। तो कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए मैंने निशान इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से हमारा निशान पता चल रहा है। तो देन हम इसी पे कटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा डबल कपड़ा है, तो हमें दो दो पीसेस मिल जाएंगे इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम पूरी कटिंग कर लेंगे एंड देन इसको हम ज्वाइन करेंगे। कुछ अभी मैं बता दूंगी थोड़ा सा, एंड नहीं भी बता पाई तो स्टिचिंग में बता दूंगी आपको। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। तो हमारे कपड़े की पट्टी की कटिंग हो चुकी है। तो हमारे आई एम सो सॉरी बोले में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, बट हमारे पूरे कपड़े की कटिंग हो चुकी है। एंड प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।